सर वो एक्चुअली मेरे को सीरीज चाहिए थी, आपके पास मिल जाएंगे? अरे हाँ हाँ सारे हैं, बोल कौन सी चाहिए। देख ससुराल सिमर के अपने पास, भाभी जी घर पे के सारे हैं, और लेटेस्ट जो है ना अभी साउथर्न इंडिया उसके भी एपिसोड्स हैं। नहीं नहीं सर मेरे को थोड़ा एक जीओटी के चाहिए थे, जीओटी के। अबे जीओटी कौन देखता है, बच्चा है क्या? चल जीओटी देखा, लड़की पटाना बहुत इजी काम है। कुछ करके दिखाओ ना कुछ। एक सेकंड, हाय हेलो, एक बार इधर आएंगे, व्हाट्स योर नंबर? देख पहला चीज, फर्स्ट लेसन ऐसे कभी नंबर नहीं लेते, ठीक है? अच्छा मैं बाद में बताता हूँ, बाद में बाकी चीज़ें। ओके बाय। और तुझे एक सच वाली बात बताऊँ? हाँ, किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं 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 प्लीज। अपना जो ये हॉस्टल है ना, वो शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है। क्या बात कर रही है, यहाँ पे रात दिन मुर्दे घूमते हैं। तुझे एक और बात बताऊँ, जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है ना, वार्डन, वो चांदनी रात में भेड़िया बन जाती है। क्या बात कर रही है, मैंने उसके कमरे से आवाजें सुनी है तेरी। लड़कियों की तरह लाइन लगी पड़ी है मेरे पीछे। अरे वाह, अपने ईयर की सारी लड़कियां घुमाई है मैंने। क्या बात है सर, और थर्ड ईयर में गूगल में प्लेसमेंट हो गया था मेरा। गूगल? लेकिन आप तो सिविल के है ना। छोड़ दी तभी तो, वो दूसरा अमेरिका बुला रहा था। ट्रम्प से बनती नहीं है मेरी, अभी खुद का स्टार्टअप है। बिल गेट्स पैसे लगा रहा है, नेक्स्ट विंडोज बना रहे हैं, बल्ले उसका ही फोन है पता। हाँ बिल्लू बोल। ये ले इंग्लिश मैथ फिजिक्स सबकी बुक, 500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादा क्यों भैया, GST लग रहा क्या? अच्छा हाँ ये ले एंटरटेनमेंट ये। अरे एंजॉय कर। अच्छा भैया ठीक है भैया, थैंक यू भैया। एग्जाम के एक दिन पहले बॉयज हॉस्टल के बगल के कूड़ेदान के अंदर पैसे रख जाना, अगले दिन पेपर तेरे हाथ में आ जाएगा। अरे थैंक यू सर। और जो तेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, उसमें बाप का इंतजाम हो गया है। थैंक यू सर। लेकिन सर वो माँ का, अगर माँ का बहन का पूरी जॉइंट फैमिली खड़ी कर दूंगा मैं, टेंशन मत ले। थैंक यू सर, पेमेंट कर दियो बस। हाँ भैया। भैया नहीं सर और मैडम बोल। जी जी ठीक है जी सर। कुछ बोर हो रहे हैं, थोड़ा डांस वांस करवाएं? करवाओ। किस पे? शीला के जोन में डांस कर। चल अच्छे से नाच, मुझे बूमरैंग बनाना है। हाँ चल अच्छी तरह डांस कर। चल रुक रुक रुक, और कुछ कराना है? ट्रेन के डब्बे बनवा। चल चल डब्बा बन और पूछ छुक छुक करके निकल यहाँ से। चल 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 जल्दी भाग यहाँ से। चल। हेलो भैया, यार आपने गर्लफ्रेंड बना ली, आपने पार्टी दे दी? देंगे देंगे, मुझे सभी याद है सारी पार्टियाँ, अगली बार दूंगा अगली बार, ठीक है? हाँ चलो भाई। अरे भैया क्या बात है यार, आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया, पार्टी कब दे रहे हो? ये तुम्हें पता चल गया? हाँ देंगे देंगे अगली बार, तुम पता यार, अब तो नेक्स्ट मंथ डिग्री भी मिलने वाली है, उसकी पार्टी है। पहली सैलरी पे जहाँ तू बोले वहाँ पार्टी, टेंशन ही मत ले, ठीक है? भैया अब तो सैलरी मिल गई, प्रमोशन हो गया, अब तो पार्टी दे दो। आज दोपहर में खाली रहियो, दोनों भाई लंगर चलते हैं, ठीक है? जितना खाना है खा लियो उधर। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे अंकल कौन है? अंकल न्यू, मैं तेरा सीनियर हूँ। सीनियर? अरे पिछले 30 साल से कर रहा हूँ डिग्री, साला दो बैक लोग क्लियर होके नहीं दे रही। अब तो बस यही सपना है कि अपने पोतों से पहले डिग्री मिल जाती, समाज में थोड़ी नाक बच जाती। अरे रिटायरमेंट से पहले डिग्री हो जाए तो बढ़िया ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आध सैलरी ले लेते तो जिंदगी भर का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता। भाई इब के बार वोट भाई ने गाली है। मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा ओ भाई आन दे। हाँ बापू एक और वोट तैयार कर ली। इतना हाँ हाँ ये बोतल है, इसको भर के ले गया। ओके सर। अरे सुन सुन सुन। हाँ सर ये कुछ सामान है रूम का, वो लेके आ। सर वो लास्ट टाइम के पैसे रह गए थे, और उससे भी लास्ट टाइम के पैसे रह गए थे, तो पैसे चाहिए थे थोड़े इन सामान के लिए। दे दूंगा ना, जा रहा हूँ क्या मैं, अगली बार ले लियो, दो बैग लोग हैं मेरे अभी। चल जा देखिए। और लंडे क्या कर रहा है आजकल? अरे भैया एकदम मस्त फ्री। अरे भैया एकदम फ्री, क्लास भी नहीं जाता आजकल। अरे वाह क्या बात है, अच्छा था, झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे नहीं भैया बिल्कुल फ्री हूँ, एकदम मजे कर रहा हूँ। अरे वाह, काम कर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बना के ला दियो मेरा शाम तक। अच्छा भैया। और हाँ एडवर्टाइजिंग की PPT भी चाहिए। जी जी निकल जल्दी भाग। ठीक है ठीक। फ्री घूम रहा है। भैया आपसे थोड़ी गाइडेंस लेनी थी। बोलो। भैया इंजीनियरिंग करने में कितने साल लग जाते हैं? 12th में कितने मार्क्स है तुम्हारे? भैया 54%। 6.5 साल लगेंगे। अच्छा ठीक है। और हाँ मैकेनिकल लेना। मैकेनिकल? अब मतलब उसमें बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना, तो यू नो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। लड़कियाँ मैकेनिकल? अब हाँ ये सही बात है, लड़कियाँ ही होती हैं मैकेनिकल में, प्लीज़ मैकेनिकल लेना। ओके भैया CS छोड़ के मैकेनिकल ले लेता हूँ।